हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग विद अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड टुडेज वीडियो टॉपिक इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर योर बीकॉम एंड एमकॉम सिलेबस एज वेल एज योर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सिलेबस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Then in today's video, we will discuss economic environment of domestic economy, business cycle, foreign investment, international institution and international trade agreement. So in sabhi topics ko ek ek karke hum kya karenge, discuss karenge. Then overview kya hai economic environment ka, जो आपके इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। देन बिजनेस साइकिल के अंदर बिजनेस साइकिल की वेरियस स्टेजेस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर FDI को डिस्कस करेंगे। एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर वेरियस इंस्टीट्यूशन को डिस्कस किया जाएगा। देन इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर GSP, GSTP, काउंटर ट्रेड एंड रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी कि एक कंट्री के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि उस कंपनी की पेरेंट कंपनी का है, वो उस कंपनी को कैसे इफेक्ट करता है। देन सबसे पहले देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, यानी कि जिस कंट्री के अंदर आप की होम कंट्री है, यानी कि जिस कंट्री के अंदर आपका जो मेन बिजनेस है उसके अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, आपका इनकम लेवल, पर कैपिटा इनकम, जो पीपल्स हैं उनकी परचेजिंग पावर, देन कैपिटल फॉर्मेशन की रेट और आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है उसको इंक्लूड किया जाता है। अगर ये सभी रेट्स और ये सभी कंपोनेंट आपके इंक्रीजिंग है, यानी कि आपका इनकम का लेवल ज़्यादा है, जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है, परचेजिंग पावर पीपल्स की वो ज़्यादा है, तो ये सभी आपकी क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट को डिस्कस करती हैं। वाइस वर्सा अगर ये डिक्रीजिंग है तो आपकी कंपनी के लिए थ्रेट का काम कर सकती हैं। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी की आपकी पेरेंट कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है। देन इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सभी पॉलिसी आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर इंक्लूड की जाएगी। आपकी पेरेंट कंपनी को इन सभी पॉलिसीज़ को अच्छे से रीड आउट करके और इनकी जो भी चेंजेस हैं, इनकी जो भी अमेंडमेंट हैं, उनको ध्यान में रखकर ही अपनी बिजनेस की पॉलिसी को क्या करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है। देन थर्ड इज़ इकोनॉमिक सिस्टम कि आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हो उसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्या आपकी कंट्री कैपिटलाइज है या फिर सोशलिस्ट है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। सो व्हाट इज़ कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड का मतलब कि आपकी जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी ट्रेड बिजनेस हैं, वो सभी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हैं। सो ये आपकी कंडीशन क्या कहलाएगी, कैपिटलिज्म की कंडीशन कहलाएगी। देन सोशलिज्म, सोशलिज्म में क्या होगा कि आपकी जो कंट्री है उसके अंदर सारा जो भी ट्रेड है वो किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, जो कंट्रोल है ट्रेड का वो दोनों के हाथ में होगा, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। सो आपको अपनी कंपनी की पॉलिसी बनाने से पहले ये अच्छे से एनालाइज करना होगा कि आपकी जो कंट्री की सिचुएशन है वो कैसी है और उसके अकॉर्डिंग अपने जो भी रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज हैं उनको फ्रेम करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल कि आपकी कंट्री की बिजनेस साइकिल क्या है। अगर आप
बूम की कंडीशन में हो सो आपकी सेल्स में इंक्रीज होगा, डिमांड में इंक्रीज होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, उनकी डिमांड करेंगे। और अगर आप डिप्रेशन की सिचुएशन में हो तो इस सिचुएशन का आपका बिल्कुल उल्टा होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी, आपकी जो भी डिमांड है सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स की वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो एक कंट्री को, एक कंपनी को ये देखना ज़रूरी है कि वो किस सिचुएशन के अंदर है, क्या वो बूम की सिचुएशन के अंदर है या फिर डिप्रेशन की सिचुएशन के अंदर है। बूम की सिचुएशन एक कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करती है, बेनिफिशियल है, वैसे वर्षा डिप्रेशन की कंडीशन आपकी कंपनी के लिए क्या करती है, थ्रेट का काम करती है। देन नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के अंदर जो भी कैपिटल है वो लगाती है या फिर जो भी बिजनेस एस्टेब्लिश्ड करती है उसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। आपकी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को काफ़ी चार्ज मिला है, यहाँ कंट्रीज़ के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट इज़ FDI। FDI के अंदर क्या करेंगे, कोई कंपनी अपनी खुद की ही सब्सिडरी कंपनी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर क्या करती है, मैन्युफैक्चरर करती है, वो उसकी खुद की होली ओन्ड कंपनी को क्या करेगी, एस्टेब्लिश्ड करेगी। दूसरी तरफ आपका FPI के अंदर क्या करेंगे हम, किसी पहले से ही बनी कंट्री की कंपनी के अंदर क्या करेंगे, उसके शेयर्स को परचेज करेंगे और उसकी जो भी मैनेजिंग पावर है उसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। सो आपकी FPI के अंदर क्या करेंगे हम, शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और FDI के अंदर क्या करेंगे, टोटल जो यूनिट है प्रोडक्शन की उसको क्या करेंगे, हम खुद ही एस्टेब्लिश्ड करेंगे। द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। आपके वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आपकी कंपनी की पॉलिसीज को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अगर आपकी कंट्री इन सभी इंस्टीट्यूशन के अंदर मेंबर है सो क्या होगा, इन सभी इंस्टीट्यूशन की जो रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी है उसको आपकी कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। इन सभी की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखकर ही हम क्या करेंगे, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करेंगे। सो आपकी IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO एंड UNCTAD क्या है, आपकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है रिगार्डिंग टू योर ट्रेड एंड सर्विसेज के लिए। सो इन सभी की टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से एनालाइज करके एक कंपनी को क्या करना है, अपनी जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉर्मुलेट करना होगा। द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ जो ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट होते हैं उनको कहेंगे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। सो फर्स्ट है आपका GSP। GSP मीन्स जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री को क्या देगी, ट्रेड के अंदर जो ट्रेड के टैरिफ और नॉन टैरिफ रेट्स हैं उनके लिए एग्जेम्पशन देगी, ताकि जो आपके डेवलप्ड नेशन हैं उनको ट्रेड के लिए क्या मिले, चांसेस मिले। देन सेकंड इज ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड प्रेफरेंस। इसके अंदर क्या होगा, आपकी एक डेवलपिंग कंट्री दूसरी डेवलपिंग कंट्री को क्या देगी, अपनी टैरिफ और नॉन टैरिफ पॉलिसी है उसके अंदर एग्जेम्पशन देगी, ताकि दो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में ट्रेड क्या हो, इंक्रीज हो। द नेक्स्ट इज काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट। काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होगा, कि दो कंट्री आपस में एग्रीमेंट करती है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर मैं जितने अमाउंट का आपसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उतने ही अमाउंट का इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इसके लिए आपकी जो फॉरेन करेंसी की फ्लक्चुएशन है उसकी कोई भी
लिमिटेशन कंट्रीज को फेस नहीं करनी पड़ती, दोनों कंट्री के अंदर कोई भी फॉरेन करेंसी की यूज़ नहीं होगा ट्रेड के लिए, क्योंकि जितनी अमाउंट का इंपोर्ट किया जाता है उतने ही अमाउंट का क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद एक्सपोर्ट करना होगा। देन रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप में क्या होता है, जो आपकी जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जो भी उस ग्रुप के अंदर पार्ट लेना चाहती है, वो कहेंगे कि हम चार या पांच कंट्री, जितने भी कंट्री इंटरेस्टेड हैं, वो क्या करेंगी, एक ग्रुप बनाएंगी, और ये कंट्री क्या अग्रीमेंट करती है कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी कंट्री आएंगी उन कंट्रीज़ में होने वाले ट्रेड के टैरिफ और नॉन टैरिफ और जितनी भी ड्यूटीज़ हैं उनको या तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा या फिर बिल्कुल ही कम कर दिया जाएगा। तो ये है आपका रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप। सो दिस इज़ ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड होप दिस इज़ क्लियर, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक यू कैन आस्क डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम कॉमर्स इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द